brought to you by Infinix. Infinix wildly amazing kick-ass offers only on Flipkart, live from 30th September. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल में चल रहे संघर्ष के बारे में बात की और ये बात करते हुए भारत का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। ऐसा क्या कहा ट्रूडो ने, बताते हैं। ट्रूडो ने बताया कि इजराइल के मुद्दे पर उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में बात की। ट्रूडो ने 8 अक्टूबर को की एक पोस्ट में कहा, मैंने आज फोन पर मोहम्मद बिन जायद से इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। हमने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की। हमने भारत और कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में भी बात की। संघर्ष पर कनाडा का क्या रुख है वो भी आपको बताते हैं। ट्रूडो ने 9 अक्टूबर को एक पोस्ट किया, कनाडा स्पष्ट रूप से हमास के बर्बर और क्रूर आतंकवादी हमलों की निंदा करता है। हम इसराइल की रक्षा के अधिकारों का समर्थन करते हैं। हम बंधकों की तत्काल रिहाई का भी आह्वान करते हैं और मांग करते हैं कि उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से व्यवहार किया जाए। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, इसराइल से आ रही तस्वीरें भयानक हैं। हम प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसराइली दोस्तों, जान लो कैनेडियंस आपके साथ हैं और हमारी सरकार हर मदद के लिए तैयार है। इसराइल के प्रति हमारे समर्थन को कोई नहीं डिगा सकता। कौन से देश किस पाले में है इस पर भी बात कर लेते हैं। कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और भारत जैसे देशों ने इसराइल को सपोर्ट किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है। दूसरी तरफ ईरान ने हमास को समर्थन दिया है। ईरान के अलावा इराक, कतर, सीरिया, सऊदी अरब जैसे देशों ने भी हमास के हमले के लिए इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया। कहा कि हमास का ऑपरेशन कई सालों से हो रहे व्यवस्थित उत्पीड़न और अधिकारों के हनन का परिणाम है। आपको बता दें, इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसराइल की सेना ने आंकड़े जारी कर बताया कि हमास उनके देश पर अब तक 3,284 रॉकेट्स दाग चुका है। इन हमलों में 700 से ज्यादा इसराइलियों की मौत और करीब 2,000 घायल हुए हैं। वहीं जवाबी हमले में गाजा पट्टी पर 413 से ज्यादा लोग मारे गए, लगभग 2300 लोग घायल हैं। अब इसराइल हमास के ठिकानों और उग्रवादियों का सफाया कर रहा है। गाजा में इसराइली बंधकों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की सेना ने हमास के 800 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर दिया है। IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स के विमान समुद्र और सिक्योरिटी फेंस के रास्ते इसराइल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे उग्रवादियों को निशाना बना रहे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।